तो हाय दोस्तों, वेलकम आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। फुटबॉल खेलने की ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो हमारी सबसे पहले जो ट्रिक है उसमें ये होना है कि मान लो आपके सामने कोई बंदा है, मान लो आपके सामने कोई बंदा खड़ा है और वो दूर है, मान लो आपसे दूर है, तो आपको ऐसे रिएक्ट करना है, आपको ऐसे जाना है और ये आप इस वाले पैर से मारोगे मेरे ख्याल से। तो आप इस वाले से अगर आप इस वाले से मारते हो अपने लेफ्ट से, तो इसको अपने ऐसे ले जाना है पोल के ऊपर से, और अगर आप इस वाले से मारते हो आपके राइट से, तो आपको इसको ऐसे ऊपर ले जाना है। मैं करके दिखाता हूँ। और अगर आपने पहले इससे मारा तो फिर इससे दिखावे करने के लिए, जैसे कि मैं दिखाता हूँ अभी आपको, शायद दिखाई दिया मैंने उसके ऊपर से निकाली, उसे मारा नहीं। और अगर आपसे आपको कोशिश करनी है जंप करने की, लाइक दिस, जो लोग राइट से मारते हैं उनके लिए लेफ्ट से करना मुश्किल होगा, और जो लेफ्ट से मारते हैं उनके राइट से, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगा। और ऐसे दो बार करना फिर आपको मार देंगे ऐसे करके। तो अब हम कुछ ट्रिक्स नहीं बता रहे, एक ट्रिक हमारी हो गई है। तो अब हम बताएंगे मेन कुछ चीज़ें। बेसिकली जब आप एक बॉल को मारते हो तो आप यहाँ से मारते होगे, ये बिल्कुल गलत होता है। आपको उसे अपने इस वाले पोजीशन से मारना होता है, इस वाले पोजीशन से आपको मारना, इस वाले पोजीशन से होता है, और इस वाले पोजीशन से आपको शूट मारने के लिए करना होता है। शूट अगर मारोगे तो यहाँ से, और वैसे मारने के लिए नॉर्मल यहाँ से मारोगे ना तो आपके टू में बहुत दर्द होता है। और अगर आप उड़ाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको इस तरह करना होगा, यहाँ तो आप सिंपली उछाल के कर सकते हो। उछाल कर आपको अपने बॉल को इस वाले पार्ट के नीचे आना, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ऐसे आनी चाहिए आपकी बॉल, ऐसे आपके फुट के ऊपर। टू से मारने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, फुट के ऊपर आना चाहिए बॉल, फिर उसके बाद अगर आप मारोगे तो आपसे इजीली उड़ जाएगी ऊपर। और अगर आपको नीचे से करना है, नीचे से ही उड़ानी है, तो ऐसे करके ऐसे करता है। फिर से दिखाता हूँ, शायद आपको ना दिखा हो, क्योंकि ये मुझसे भी पहले बार में नहीं हुआ करता था, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस पे होने लगा। जस्ट लाइक दिस, मुझे ज़्यादा नहीं होता, बस ऐसे करना है, ऐसे करके। ये बहुत बिना बहुत घूमती है, ऐसे करके ऐसे इसके ऊपर रखना और ऐसे करके देखा तो उड़ी ना। फिर बात मैं बन के दिखाऊंगा, देखा थ्री टू एंड वन। अरे यार ये कभी कभी हो जाता है, फिर से कोशिश करूँगा मैं करने की, क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ जैसे आपको अच्छे से आ जाएगा। 3, 2, 1, 9, 1। यार मेरी टू लग जा रही है बीच में, अभी हुआ था। देखा वो यहाँ वो थोड़ी उड़ेगी, वो ठीक है। ओके, तो यही थी मेरी फुटबॉल पे वीडियो। दोस्तों अब मैं करने जा रहा हूँ एक खतरनाक चीज़, एक छोटी वाली बॉल के साथ,
कि मुझे इसको यहाँ टप्पा करना है और वापस कैच करनी है। देखता है मैं कितने सेकंड्स तक या घंटों तक कर पा दूँ। अगर थोड़ी सी भी गलत हुआ कि मैं कैच नहीं कर पाया और छूट जाती है तो मैं हार गया। तो अगर मैं हारा तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट में आप नोट भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। अगर मैं हारा कि अगर मैं कम से कम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाया और अगर मैं 5 मिनट से ज़्यादा कर लेता हूँ तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा और कमेंट्स में ये बताना है कि आप फुटबॉल आपके दोस्त आपको फुटबॉल में प्रो समझते हैं कि नहीं, आप खुद को प्रो समझते हो कि नहीं। तो आपको ये भी बताना है, बस आपको इतना करना होगा तभी मैं स्टार्ट करूँगा। तैयार हो? डील, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखेंगे कि मैं कितनी देर तक कर पाता हूँ। तो आपको दिखा तो नहीं पाऊँगा लेकिन मैं आई गॉड प्रॉमिस कि मैं सच्ची रोक दूँगा अपना टाइमर उस वक्त। ओके तो दोस्तों, यार मैंने तो 6 मिनट कर लिया। अब आप बताओ, आप लाइक कर रहे हो कि सब्सक्राइब? दोनों करने हैं भाई। आपने डील की थी और माँ कसम कह रहा हूँ, माँ कसम कह रहा हूँ कि मैंने किया ही नहीं है कोई चीटिंग। सच्ची मैंने कोई चीटिंग किया ही नहीं है। तो अब आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, और साथ ही साथ इतना ही नहीं भाई, मुझे ये बताना कि आप लोग कितनी देर तक कर सकते हो। मतलब कि सिंपल है, बस आपको इसे यहाँ पर टैप करना है, फिर वो नीचे एक बार टिप्पा खाएगी और आपको उसे पकड़ लेना है। ऐसा करना है आपको। आप ये कितनी देर तक कर लेते हो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। और भाई आपको वो भी बताना था, मैंने पहले की डील रखी थी। तो बस वीडियो में इतना ही। तो बाय बाय।